नाम तनवीर आलम है, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं और पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम कार्यकर्ता है वो खुशहाली मना रहे हैं। तीन सीट पे आप बात करें तो तीन सीट पर आरजेडी की जो है वो जीत हुई है। बिहार के उपचुनाव हो रहे थे और एनडीए की बात करें तो एनडीए को एक भी सीट जो है वो हासिल नहीं हो पाया है। उसके बाद से कार्यकर्ताओं का जोश देखिए किस तरीके से जोशीले अंदाज में तमाम लोग जो है वो खुशियां मना रहे हैं। हम जरा कुछ लोगों से बात करते हैं, कितनी खुशी है आप लोगों को? खुशी यही है कि आज हमारे गरीबों के भगवान, गरीबों का देवता लालू प्रसाद यादव, हमारे भाई तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री को इतना सता रहा है विरोधी लेडी पलटू चाचा, ये मोदी, ये भोला बाबा हमारा छूट के आ गया। लालू प्रसाद यादव बिहार का नेता ने, हमारा भोला बाबा है भाई तेजस्वी यादव। आप लोग कितनी खुशी है कि एनडीए को एक भी सीट नहीं आया? हम लोग बहुत खुशी है, एनडीए का बिहार से सुपड़ा साथ है। एनडीए क्या क्या लगता है उपचुनाव में आपके हक में फैसला हुआ क्या? 2020 का विधानसभा चुनाव भी आपके हक में आने वाला है? ये जनता ने बता दिया, जनता ने एहसास करा दिया कि जो जदयू के लोग कहते थे कि ये चुनाव सेमीफाइनल है तो ये ट्रेलर है मेरा, ये देखिएगा, तो जनता ने दिखा दिया ये सेमीफाइनल किसके लिए फाइनल में जाएगा और ये ट्रेलर किसके लिए है, ये बता दिया यहाँ की जनता ने। हम जनता को बधाई देते हैं, जनता को बधाई दे रहे हैं तमाम कार्यकर्ता। और भी कुछ लोगों से जानते हैं सर, ये तीन जगह प्रदेश अध्यक्ष जी आप जो है आप जीत गए हैं, हंसी आपके चेहरे पर दिख रही है क्या? जो लोग कह रहे थे ये बिहार की जनता की जीत है, गरीबों दलितों शोषितों पे जीत है, ये एनडीए की सरकार चारों तरफ से फैल रही है, जनता को ठगने काम किया है। और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जो नीतियां हैं वो तेजस्वी यादव जो बिहार का जो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में बिहार की जनता ने मोहर लगा दी है। और इससे स्पष्ट हो गया कि वर्ष 2020 में जो विधानसभा का चुनाव होना है वो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यादव यानी कि मुख्यमंत्री बन रहे, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। कार्यकर्ताओं की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जोशीले अंदाज में तमाम कार्यकर्ता जो है वो खुशियां मना रहे हैं, पटाखे छोड़े गए। यहाँ पर तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जो तीन जो सीट है उस तीन सीट पर जो है आरजेडी की जीत हो गई। उसके बाद से एनडीए की बात करें तो एक भी सीट जो है वो एनडीए के खाते में नहीं गया है। और लोगों को देखिए अबीर के साथ एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं और खुशियाँ जो है वो मनाने में आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो जुट गए हैं। अब 2020 में क्या होगा, क्या तेजस्वी यादव इस जीत के बाद से बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी? अब बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।